जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में पूरा विस्तृत रूप से सभी लोगों को बताया गया है और कैसे उसका लाभ उठाएं ये भी बताया गया है। हम लोग आने में बहुत कठिनाई होती है, 3 किलोमीटर पैदल आते हैं तो ऑटो मिलता है, साइकिल भी बरसात में नहीं आ पाता है। और साथ ही साथ लोगों की जन समस्याओं को भी सुना गया है और उसका त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। जब इलेक्शन आते हैं तो सब लोग आते हैं कि गांव की सड़कें बनाएंगे, पर कोई नहीं आता है। सरकार के निर्देश के आलोक में आज हम लोग जन संवाद यहाँ पे कर रहे हैं, डिहरी प्रखंड के दौरा पंचायत में आज कर रहे हैं और सभी जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में पूरा विस्तृत रूप से सभी लोगों को बताया गया है और कैसे उसका लाभ उठाएं ये भी बताया गया है। और साथ ही साथ लोगों की जन समस्याओं को भी सुना गया है और उसका त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। और साथ ही साथ उसको हम लोग एक डाटाबेस बना रहे हैं और उस डाटाबेस के माध्यम से जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उसका अनुश्रवण करके और जो ग्रामीण स्तर पे जो समस्या है उसका समाधान भी हम लोग के द्वारा कराया जाए। हमारा घर सानी भीगा है, हमारा गांव की सड़क बहुत बहुत खराब है, आप लोग एक बार चल के देख लीजिएगा, बरसात में इतना दिक्कत आता है कि पूछिए मत। हम लोग आने में बहुत कठिनाई होती है, 3 किलोमीटर पैदल आते हैं तो ऑटो मिलता है, साइकिल भी बरसात में नहीं आ पाता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है हम लोग को आने में। और असनेम साहब बोले आने के लिए पर अभी तक आया नहीं है, टाइम का तो उनका कुछ सतर्क पता ही नहीं है, पता नहीं कब आएंगे। तो क्या लगता है गांव की सड़कें अभी तक नहीं बन पाई हैं? नहीं, अभी तक गांव की सड़कें हमारी नहीं बन पाई है। जब इलेक्शन आते हैं तो सब लोग आते हैं कि गांव की सड़कें बनाएंगे, पर कोई नहीं आता है। फिर उसके बाद कहाँ पढ़ने आती हैं? जवाहरलाल नेहरू डेहरी। अच्छा, कितना लंबा रास्ता पड़ जाता है? हमारे यहाँ से 11 किलोमीटर पड़ जाता है। तो गांव की सड़कें कब से खराब है आपकी? कब से? बहुत पहले से है, आज ऐसा नहीं है, दादा के राज में हुई है, परदादा के राज में हुई है। अच्छा, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई नहीं हुआ है। फोन कर रहे थे सर, आइए इस कंपनी से क्या बात है, क्या नहीं, हम आवेदन दिए थे पहले, आज इस कंपनी जाएगा तो रोकिएगा। 9,30,000 पर रखे थे सर, 5-6 रुपया बाकी होता है, किसी किसान को तो बिजली बिल काट देते, उसमें फाइन करते हैं ऑनलाइन। 9,00,000 मिली जुली से चल रहा था सर।